तू देख लेना, एक दिन गाय ला के खड़ी कर दूंगा तेरे दरवाजे पे। देख माँ मैं ले आई। बड़ा भाई आ रहा है ना, हो रही उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। पर भैया कबरी गाय तो बहुत ही सुंदर है ना। हाँ। जी करता है तो ले लो ना, पर भोला भैया नकदी तो हमारे पास है ये नहीं। अरे तुमसे नकदी मांगता कौन है भाई? सरकार सुनत है कि आप वो काउंसलर साहब की मेम्बरी छोड़ कर जेल चले गए थे, गांधी बाबा आपको बहुत मानत। अब बेचने को भूसा नहीं है हमारे पास, हमारे बैलों को मुश्किल से पूरा पड़ेगा। दे रहे हो ना, तीन खाचे भूसा दे दो, का पता गैया की बात बन जाए। अब ले देके की बिटिया है झुनिया। हाँ। वो भी नसीब की खोटी। अरे झुनिया बेटा एक बाल्टी ताजा पानी तो भर ला कुएं से। तंबाकू बनाए? हाँ कहे नहीं, बैठ बना ले। लो मैं निकाल लूँ। मेहमान हो हमारे, खातिर तो हम ही करेंगे। मेहमान कहाँ, हम तो पड़ोसी हैं तुम्हारे। वो भी क्या पड़ोसी, जो चार चार छः छः महीने बाद दिखाई दे रहे। पिछली बारी जंगी भैया के सत्संग में भेंट हुई थी। अब रोज रोज आवे तो ऐसी खातिर थोड़ी करोगी है? पहले आके तो देखो। अरे सुनो, पिछली बार पिंजरे की मैना सुनाने का वायदा किया था तुमने, कहाँ सुनाया? मैंने कब वायदा किया था? अब देखो, सारी औरतों के सामने कहा था तुमने, तुम्हारी दोनों भाभियाँ गवाह हैं, पूछवाऊँ हैं? तुमने भी तो ढोलक पे संगत देने का वायदा किया था, फिर आए कभी? तो फिर बजाए आज हैं? हो जाए आज हैं? मैं बापू के सामने सुनाऊंगी। एक टप्पा ही सुना दे, चल ना। धत भावरे हो गए क्या? बापू इंतजार करे, जल्दी करो। ठीक है। इसी से पूछ लो। अरे ना, साड़ी खराब हो जाएगी तेरी। होने दो, मेले में नहीं ले देना। पक्की बात है? मिलेगी मेले में? पक्की बात? सुन, भाइयों को मत ले आइयो। वो तो आएंगे ही। क्यों, उनकी क्या जरूरत है? नहीं तो मेरी रक्षा कौन करेगा? तेरी रक्षा किससे? राक्षसों से। अरे भैया बहुत खिला दिया। अब झुनिया ने पका दिया तो क्या करें, अब उसके हाथ का पका छोड़ के उठ जाओगे कहाँ? बहुत बहुत स्वाद बनाती है बेटिया, भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद दें। अरे बेटा गोबर जी काका, कल सुबह आके गाय ले जाना तड़के तड़के, कैसे कि अब इतनी धूप में बिचारी को कहाँ चला के ले जाओगे, है ना? अरे मंगवा लेंगे भैया, इतनी जल्दी का है? अब बापू अब तड़के ही ठीक है ना? हाँ। वैसे बहुत देर हो गई है काका, और देखिए ना सानी खाने का वक्त है। अब तुम्हें याद रखना गोबर बेटा। होरी तुम भी भूलना नहीं। वो वाली बात न भूले है? कैसे भूल सकत है, गैया दरवाजे पर खड़ी होगी। हाँ। हर वक्त याद दिलाती रहेगी। हाँ। वही से हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम दोनों के घर में गऊ बंध जाए बस। अच्छा। अरे अरे यार
अच्छा चलो था भैया। कहाँ सोच रहे हो? ऐसे ही कुछ खास नहीं। हमारे बात सच निकली कि नहीं? होगा। अरे हमने कहा था ना कीन खांचे भूसा दे दो भोला को, गाय की बात तो निकाले गई। अच्छा ही होगा फिर गैया यहाँ बाहर बांधेंगे कि वहाँ भीतर? भीतर ही बांधेंगे, वहाँ लोग नजर बड़ी लगा दे रहे हैं। यहाँ कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका करे हैं कि गाय का दूध ही सूख जावे है। नहीं ठीक है, वहाँ भीतर ही बांधेंगे, एक झोपड़िया बनाने से काम चल जाएगा। हाँ। बैलों से दूर रखना पड़ेगा ना। पांच सेर दूध तो देती होगी। अरे सेर भर तो अपने गोबर को ही चाहिए। अरे तो पिए जितना जी चाहे। चलो तड़के तड़के गोबर को उठा देना फिर। कह गया था सोने से पहले। सुन हीरा और शोभा से अलगाव ना हुआ होता तो घर की बातें ही कुछ और होती है ना। तुम्हें बड़ी फिक्र रहती है अपने भाइयों की, एक बार भी आए हैं जब से न्यारे हुए हैं? छोटी को छपाकी निकली थी, देवरानियों में से एक भी आई हालचाल पूछने? तुम सोचो हो घर में गैया आ गई तो खुश होंगे तुम्हारे भाई, बधाई देने आवेंगे? कुछ नहीं। हाँ। चलो सो जाओ, तड़के तड़के गोबर को उठा दीजो। हाँ। सवेरे सवेरे तैयार हो गए बिटवा। गौ बांधने को मांद गाड़ के रखना बापू, और गैया घर आ जाए तब गाड़ेंगे मांद। क्यों, कोई शक है तुम्हें? अब क्या पता बिटवा क्या हो जाए, हमें तो अब अपनी किस्मत पे शक होने लगा है। घबराओ मत बापू, अब तो हम गैया लेकर ही लौटेंगे। चल रहा हूं मां गाय लाने। कैसे हो होरी भैया? कैसे हो चौधरी, सवेरे सवेरे किधर? हम तो भैया तुम्हारे कने ही आ रहे थे। अरे वाह, बहुत बांस खड़ा है तुम्हारे आंगन में? बहुत सा कोठार में पड़ा है। अच्छा, अच्छी बात है। बेचोगे? भैया अच्छे दाम मिलेंगे तो बेच देंगे। अच्छा क्या भाव लगाओगे हमसे? अब देख लो भैया, हम तुम्हारे पड़ोसी गांव के ठहरे और 30 रुपए सैकड़ा से कम में तो हमारे बांस कभी उठे नहीं।
अब ऊपर से जो तुम चाहो दे दो। 30 रुपया तो बहुत है भैया, टोकरी मुड़ा बनाकर आजकल बचता कहाँ है, मजूरी भी नहीं निकलती। अब 20 रुपये सैकड़ा लगाओ तो हम एक सैकड़ा बांध उठा लेंगे तुम्हारा। अब भाईचारे की बात कर रहे हो तुम तो 5 रुपये कम कर देते हैं, 25 रुपये सैकड़ा। और तगादा मत करना चौधरी। चलो ठीक है, ये लो 2.5 रुपये बयाना। और कितना बांस है कोठार में? बहुत सूखा बांस पड़ा है कोठार में। होरी भैया, ये कोठरिया तो सब बंट गई होगी भाइयों में? सब बंट गए चौधरी, जिनको पाल पोस के बेटों की तरह बड़ा किया वो आज बराबर का हिस्सेदार है। पर उनका हिस्सा खाने की हमारी नीयत नहीं है। इधर तुमसे पैसे मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों में जाकर बांटते। ईमान धर्म तो भगवान देखते हैं ना, नहीं तो हम कह दें कि 20 रुपये सैकड़ा में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा, तुम बताने थोड़े जाओगे। अरे भैया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है, हमारा क्या, हम 15 क्या देंगे, और तुम अगर 20 का भाव लगाओ तो भैया कुछ तुम्हारी बचत कुछ हमारी बचत। हम तो बहुत होशियार निकले चौधरी, अब बात हमारे मुंह से निकल ही गई है तो क्या करें, छाड़ लो जान जाओ। अरे क्या हुआ? अरे भीतर में दिखाई नहीं दी इसलिए आवाज दे रहा था, कहीं बावड़ी में तो नहीं कूद गई? बावड़ी में कूदूंगी तो तुमको भी साथ ही लेके कूदूंगी। हाय हाय, अरे जबान निकाल लूंगा गुद्दी से, अपने खसम से इस तरह बात करके शर्म नहीं आती तुझे? विधवा होना चाहती है? अब विधवा कैसे होंगे, अरे हम भी तो साथ ही कूदेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, कले वाले के पहुंच जाइए बखत पे। साली जवान बहुत चलाती। अरे अरे कहाँ चल दिए सुबह भैया, और भाभी को साथ लेके? तनिक बैद जी के यहाँ जा रहा था, हर दूसरे चौथे दिन इसे बुखार रहने लगा है। अरे भाभी जरा खाया पिया करो, ये सब न खाए की कमजोरी है। अरे 5 बीघा जमीन में कोई क्या खा ले और क्या चुका ले। गया था एक दिन जमींदार साहब से मिलने, बाहर से ही लौटा दिया। तो बड़े भैया से कहो ना, वो मिला देंगे, उनका तो बहुत उठना बैठना है उनके साथ। उनसे भी मिला था जमींदार साहब के दरवाजे पे, उन्होंने भी कोई शिकायत ही करी होगी। अब चलो भी, खेत पर नहीं जाना है क्या? हाँ चलता हूँ। ठीक है भाभी। अरे ये बांस हमने मोल लिए, 15 रुपए सैकड़े का बयाना दिया होरी भैया को। अरे 15 रुपए में नहीं जाएंगे बांस हमारे, छोड़ दियो। देखो अपने आदमी को भेजो, वो आगे बात कर लेंगे, और जात के क्या मुंह लगना। अरे
अरे देखो बचाओ बचाओ, देखो देखो ईश्वरजी ने धक्का दिया मुझे, हाथ उठाया हम पर। अरे क्यों झूठ बोल रही तू, मैंने कब धक्का दिया, तो खुद ही तो मेरी कटारी पर छप रही थी। अरे हमने किधर हाथ उठाता है, अरे अरे भैया हाँ हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, उल्टा यही हमारी कटारी छीनने को आई और खेचल में गिर पड़ी। वो देखो अब भी मेरी कटारी उसके पास पड़ी है, वो देखो उधर देखो पड़ी है ना। झूठ बोलता है चौधरी, हमने तो बस इतना ही कहा था कि 15 रुपए में नहीं जाएंगे ये पास, बस इसी पर धक्का दिया और कहा कि जा अपने मरद को लेकर आ। क्यों गला फाड़ रही है और चौधरी तू यहाँ क्या कर रहा है हाँ? और तू गैर मरद के मुँह क्यों लगती है, मुझसे लड़के पेट नहीं भरता क्या तेरा? रहने दो हीरा हो गया, तुम चुप रहो चौधरी, आज ये तुम्हारे मुँह लगी है कल किसी और के मुँह लगेगी तो हाँ? वो तो ठीक है कि तुम ठीक ठाक निकले, पर दूसरा कोई बर्दाश्त करेगा क्या? अगर दूसरे ने एक जमा दी तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, और तू खड़ी यहाँ क्या कर रही है कि तुम्हें? सबको मालूम है बहुत बहादुर है तू, पर ऐसे अपनी जोरू को सबके सामने पीटते शर्म नहीं आएगी तुझे? चल जा घर जा, और चौधरी चल निकल तू भी, बस बहू ने कह दिया नहीं बिकेंगे मांस। नहीं नहीं चौधरी, भैया ने कह दी सो कह दी। 15 रुपए सैकड़े का बयान दिया भैया को। हाँ ठीक है चल ले काट ले अपने बांस, हाँ समझ ले मैंने सही कर दी 15 रुपए सैकड़ा पर। ए अरे उधर कहाँ जा रही है, उधर चल कुएं पर, छुड़ैल हाल खींचू तेरी। गोबर नहीं आया अब तक, आ जाना चाहिए था। अरे कुछ क्या बात क्यों नहीं करती, बताना जाऊं क्या खबर लेने, पता नहीं कहाँ अटक गया। मोरे पिंजरा ले सोने की चिड़िया बोले कागा। क्या बात मैंने तो अपना वायदा पूरा कर दिया। तो मैंने भी अपना पूरा कर दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई, सत्संग में बजाने की बात थी। जब तू सत्संग में गावेगी तो हम भी जरूर बजाएंगे। ऐसा बजाओगे बेताला? बेताला। अच्छा सुनो, आज रात आओगे? कहाँ? जंगी भैया की सत्संग है चौपाल में। जो तू मिलने का वायदा करे तो मिलने का वायदा तो पक्का नहीं कह सकती, क्या है ना दद्दू जल्दी सो जाते हैं, पर वो बड़के भैया का मुन्ना है ना बड़ा काइया है, सोता ही नहीं। अरे जरा भी शक हो गया ना तो ऐसी पिटाई करेंगे कि 10 महीने तक घाव नहीं भरेंगे। अच्छा पिटाई होगी किसकी, तेरी या मेरी? होगी तो मेरी, पर अगर तुम भी हत्थे लग गए तो कोई कमी ना होगी। अरे तेरी खातिर सह ले तो सह भी ले, वरना यहाँ भी फौलाद की टर्रिया है, रोज 300 दंड पेलता हूँ, 200 तो होंगे, बस दूध घी नहीं मिलता। अब कल यहाँ आ गई है तो वो भी मिलने लगेगा।
गैया तैयार करवा दूं? वो बापू भी आते होंगे हाट से। अब रुको भी। चलो ना, भर लेते हैं मटके। ठीक है, कभी नहीं कभी नहीं, सारा गोबर मैं ही जमा करूंगी और मैं ही पाथूंगी। ठीक है, तो मैं दोनों बैलों का गोबर तुझे दे दूंगी। नहीं, सारा गोबर मेरा और सारे उपले भी मेरे। ठीक है, तो सारा दूध मेरा। नहीं, सारा दूध भी मैं ही दूंगी। आइए बड़ी, जब गाय तुझे एक लात मारेगी ना, तब तुझे पता चलेगा। गाय मुझे लात नहीं मारेगी, बैल तुझे सींग मारेगा। बापू सोना मुझे चिढ़ाती है। बापू सोना मुझे चिढ़ाती है। जब मैं दूध गर्म करूंगी ना, तो तेरे सारे उपले जला दूंगी, देख लेना। बापू बैल आइए बड़ी, बापू की चमची। गोबर तो लगता है सो गया वहां जाके। नहीं, अच्छी तरह खिलाया पिलाया होगा उन लोगों ने, फिर कहा होगा दोपहर में मत ले जाओ, धूप ढल जाए फिर ले जाना, है ना? ऐसा नहीं है, वो भोला की छोकरिया है ना झुनिया, उसके साथ हंसी ठट्टा कर रहा होगा और क्या। बापू, वो गाय मेरी ही होगी ना। हाँ, सोला है तेरी। और उसका सारा गोबर मैं ही पाथूंगी ना। जितना गोबर होगा सब तेरा। और उसका सारा दूध भी मैं ही दोहूंगी ना। अच्छा, तू ही दो लेना, लाजमी तू ही खा लेना, और किसी को मत खाने देना। हाँ। अरे भैया ले आए चौधरी। हाँ। बांस वांस गिन लिए ना सब। ये लो पैसे और चल के बांस गिन लो, कल ठेला ला के हम उठवा ले जाएंगे। ये क्या दे रहे हो भैया, 2.5 रुपए और दो। 15 के हिसाब से तो इतने ही बनते हैं भैया। बात तो हमारी कुछ और हुई थी। लेकिन हीरा ने तुम्हारे सामने 15 पे कहा तो था सब तय है, ऊपर से हमने अपनी बेइज्जती कराई सो अलग। अच्छी कौड़ियाँ फेंकते हो चौधरी, 25 से 20 पे लाए, अब ये 15 में अंगूठा दिखाकर उठा ले जा रहे हो। रख लो होरी भैया, रख लो। वो तो अच्छा हुआ गुस्से में हमारे अंदर की बात नहीं निकली, वरना भाइयों के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती।